हाय अगेन। सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइंड फ्लोर ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे, राइट। सो अपना फ्लो क्या रहेगा, अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, फिर अपन कंसेप्ट समझेंगे कि फ्लोर है क्या, और फिर अपन इसका कोड का वेरिएशन समझेंगे कि कोड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा फ्लोर क्या होता है किसी भी चीज़ का। फ्लोर, लेट्स से मैंने 7.8 बोला है, तो इसका फ्लोर क्या होगा, इसका फ्लोर होगा 7, और इसकी सील क्या होगी, सील होगी 8। बेसिकली रूम वाला कंसेप्ट है, जैसे अपने पास रूम है तो रूम में फ्लोर नीचे होता है और सीलिंग ऊपर होती है, वही सेम कंसेप्ट है। अगर रूम के बीच में 7.8 लिखा है तो फिर फ्लोर क्या है, 7 हो जाएगा और सीलिंग पे 8 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, पर इस प्रॉब्लम में फ्लोर का क्या मतलब है, प्रॉब्लम में क्या इनपुट आउटपुट क्या होगा वो देख लेते हैं। पहले तो इनपुट में एक सॉर्टेड एरे होगा, जैसे कि लिखा हुआ है। मैंने तुमको क्या बोला, कहीं पर भी एक सॉर्टेड एरे दे रखा है अगर, तो तुम्हें बाइनरी सर्च लगाने की सोचनी ही सोचनी है, ठीक है। सॉर्टेड तुम्हें नाम पढ़ा, जहाँ पर भी तुम्हें पढ़ा कि हाँ सॉर्टेड है, वहाँ पर बाइनरी सर्च तो लगानी लगानी है, ठीक है। और सॉर्टेड एरे के साथ साथ एक एलिमेंट दे रखा हुआ, इस एलिमेंट का अपने को फ्लोर निकालना हुआ, ठीक है। पर ये एलिमेंट तो, ये डेसिमल एलिमेंट तो है नहीं इसकी जैसा, तो अभी क्या मतलब है, ये एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट है, मतलब अगर मैं बोलूँ 5, 5 का फ्लोर क्या है, 5 का फ्लोर 5 होगा, 5 का फ्लोर 5 होगा, सिंपल है। 5 का फ्लोर भी 5 होगा, 5 का सील भी 5 होगा, ठीक है। पर ये बहुत सिंपल है, अगर ये 5 प्रेजेंट है इसमें तो सिंपल मेरे को ये 5 ही रिटर्न करना है, क्योंकि अगर इसमें प्रेजेंट है। पर ये कम्प्लेक्स कब हो जाता है, जब इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर इस एरे में इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, अगर सॉर्टेड एरे है ये, तो 1, 2, 3, 4, 4 के पास 5 होना चाहिए, यहाँ पर सीधे 8 है। सो बेसिकली ये यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है, तो अभी फ्लोर कैसे डिफाइंड है, फ्लोर डिफाइंड है, फ्लोर ऑफ 5 क्या बोलूँगा मैं, फ्लोर ऑफ 5 इस प्रॉब्लम के हिसाब से जो अपने से पूछी है, इस प्रॉब्लम में फ्लोर ऑफ 5 का क्या मतलब है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन 5, राइट। सो अपने को क्या करना है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना है जो कि 5 से स्मॉलर हो, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन 5। सो कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं स्मॉलर देन 5, तो 1, 2, 3, 4, ये सारे एलिमेंट स्मॉलर देन 5 है, तो इन सारे एलिमेंट में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो इन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4। बेसिकली आंसर में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। आगे बात समझे, आउटपुट में क्या देना है अपने को, 4 देना है, क्योंकि 4 क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है स्मॉलर देन 5, ठीक है। अपन देखते हैं कोड, अपन कैसे करेंगे इसको, तो इसमें बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करें, क्योंकि अपने को ये तो समझ में आ गया कि सॉर्टेड एरे है, अगर सॉर्टेड एरे है तो अपने को कैसे भी करके इसमें बाइनरी सर्च लगानी है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं अपन, जैसे सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं ना, अपन वैसे ही स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। अपन ने बोला कि स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, इंडेक्सिंग कर लेता हूँ मैं रियल क्विक, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, इतना कर लिया हम लोगों ने, राइट, ठीक है। सो अब मैंने क्या बोला, बाइनरी सर्च जैसे लगाता हूँ मैं, सिंपल वॉइस वैसे ही फॉलो करता हूँ, कुछ भी नया नहीं करूँगा। मैंने बोला ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो 0 + 8 / 2 मिड आ जाएगा 4 पे, यहाँ पर आ गया मिड। अब मैं इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करूंगा अपने एलिमेंट के साथ, 5 के साथ, ठीक है। 5 के साथ कंपेयर किया मैंने, मेरे को क्या मिला कि ये एलिमेंट इससे ग्रेटर है, ठीक है, ये एलिमेंट इससे ग्रेटर है। सो मेरे को बेसिकली मैंने क्या बोला, कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, कैंडिडेट वो सारे हो सकते हैं जो कि इससे स्मॉलर है, 5 से जितनी भी एलिमेंट स्मॉलर हैं, तो मैं एक रिजल्ट में आंसर स्टोर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एक रिजल्ट वेरिएबल बना लूंगा जिसमें मैं आंसर आखिर में मेरे को आउटपुट देना है, ये मेरे को आखिर में फ्लोर ऑफ 5 देगा, ठीक है। तो कैंडिडेट मेरे को जब भी मिलेगा तो मैं इस रिजल्ट में स्टोर कर लूंगा, जब भी मेरे को कैंडिडेट मिलेगा, तो क्या ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट क्या होना चाहिए, फॉर इट टू बी अ कैंडिडेट ये एलिमेंट होना चाहिए स्मॉलर देन 5, पर ये स्मॉलर देन 5 नहीं है, ठीक है। तो मेरे को कैंडिडेट कहाँ पर मिलेंगे, लेफ्ट साइड में मिलेंगे, राइट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा है, मैंने जैसे अपन बाइनरी सर्च लगाते हैं, अपन ने इसको कंपेयर किया मेड को एस के संग, अगर मिल जाता है यहीं पर ही 5 तो बहुत अच्छी बात थी, अपना वहीं पे खत्म हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि अगर एलिमेंट मिल गया है तो 5 अपना खुद का फ्लोर भी है। पर कम्प्लेक्स सिचुएशन कब होती है, जब यहाँ पर 5 नहीं मिला, 5 मिल गया तो सिंपल है खत्म, पर अगर जब यहाँ पर 5 नहीं मिला तो अपने को 5 कहाँ पर मिलेगा, अपन कंपेयर करेंगे, जैसे एक्स पहले करता ना, या तो मिड के बराबर होगा, या तो मिड से छोटा होगा, या तो मिड से बड़ा होगा, तो अभी क्या है, 5 मिड से छोटा है, तो अपन इस साइड में मूव करेंगे, तो अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर एंड आ जाएगा, ठीक है। और क्या ये कैंडिडेट था, नहीं कैंडिडेट नहीं था, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट जो था एरे ऑफ मिड क्या था, ग्रेटर देन 5 था, इसलिए कैंडिडेट भी नहीं निकला, ठीक है। तो अपन इस साइड में मूव कर गए, राइट। फिर अपन ने चेक किया, अभी मिड क्या आ जाएगा, 0 + 3 / 2, 1 आ जाएगा मिड। फिर अपन ने इसको चेक किया,
एरे ऑफ मेड, क्या एरे ऑफ मेड लेस देन 5 है? हाँ है। सो क्या ये कैंडिडेट हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। तो अपन ने इसको 2 लिख दिया। बेसिकली अपने को एक स्मॉलर एलिमेंट मिल गया, तो अपने को देखना है कि क्या इस एलिमेंट से कोई बड़ा एलिमेंट भी है जो 5 से छोटा है। 2 3 4 यहाँ पर तक तो अपने को यहाँ से छोटे एलिमेंट है ना, तो अपने को यहाँ पर मिल गया कि ये कैंडिडेट हो सकता है, पर क्या इससे कोई बड़ा एलिमेंट भी मौजूद है तो वो कैंडिडेट हो जाएगा। तो अभी अपन ने क्या करा, बेसिकली अपन ने जैसे इसको देखा क्या ये कैंडिडेट है, तो अपने कहा हाँ है, तो अपने इसको स्टोर कर लिया। अब अपने को किधर मूव करना चाहिए? राइट हैंड साइड में। अपन ने क्या कंपेयर किया इसको, 5 को 5, इसके बराबर तो है नहीं, तो सिंपल जैसे बाइनरी सर्च लगाते हैं, या तो लेफ्ट में मूव करेंगे राइट में मूव करेंगे, तो अभी राइट में मूव करेंगे, राइट में मूव करेंगे तो स्टार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 2 प्लस 3 5, 5 बाई 2, तो यहाँ पर मिड भी यहीं पर आ जाएगा। तो क्या ये कैंडिडेट है? हाँ है, क्योंकि ये भी स्मॉलर देन 5 है, तो ये अपडेट कर देंगे और ये 3 आ जाएगा क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो अपन बेसिकली ये कैंडिडेट बेटर कैंडिडेट हो गया, क्योंकि ये फ्लोर क्या डिफाइंड है, फ्लोर डिफाइंड है ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन 5 है ना, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन 5 क्या हो गया, 3 हो गया। पहले 2 था, अभी 3 हो गया, क्योंकि 3 2 से बड़ा है। फिर अपने देखा कि अभी कहाँ मूव करना है, अभी सिंपल बाइनरी सर्च लगानी है, 5 साइड में मिलेगा, तो 5 के लिए बाइनरी सर्च लगाई तो 4 आ गया, 4 पे भी मिड आ जाएगा, और सिंपल अपन इसको अपडेट कर देंगे तो सिमिलरली 4 आ जाएगा। आखिर में ये वाइल लूप ओवर हो जाएगा, तो अपने पास 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, इतना समझ में आ रहा है? सो अगर अपन देखें तो अपन कर क्या रहे हैं ना, नटसेल अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो ये अब एरे है, यहाँ पर अपन स्टार्ट और ये एंड लेते हैं। ठीक है, फिर अपन मिड निकालते हैं, जैसे बाइनरी सर्च में मिड निकालते हैं वैसे ही बाइनरी सर्च में यहाँ पर भी मिड निकालते हैं। ठीक है, पर अगर एरे ऑफ मिड क्या है, अगर एरे ऑफ मिड इज लेस देन आवर एलिमेंट है, अगर एरे ऑफ मिड इक्वल टू आवर एलिमेंट है, तो सर्च वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो अपना खुद का फ्लोर होगा, वो खत्म हो जाती है। पर अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो अगर एरे ऑफ मिड, इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन आवर एलिमेंट है ना, तो क्या है ये एक पॉसिबल कैंडिडेट है। जैसे 5 है, तो 5 के लिए क्या क्या कैंडिडेट थे, 1 2 3 4 कैंडिडेट थे। तो जब भी कोई एरे ऑफ मिड एलिमेंट अपने लिए लेस मिलेगा, तो ये पॉसिबल कैंडिडेट है। तो पॉसिबल कैंडिडेट है, तो अपन इसको स्टोर कर लेंगे रिजल्ट में। ठीक है, तो अपन इसको स्टोर कर लेंगे। क्या अपने आउटपुट में क्या चाहिए, इसका इंडेक्स चाहिए फ्लोर का, या फिर एलिमेंट चाहिए फ्लोर का? तो बेसिकली वो उस हिसाब से अपना स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्स चाहिए तो अपने मिड स्टोर कर लेंगे, अगर इसमें इसका एलिमेंट चाहिए तो एरे ऑफ मिड स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अपन ने किया था एरे ऑफ मिड के हिसाब से, तो एरे ऑफ मिड अपन एलिमेंट स्टोर कर लेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, एरे ऑफ मिड इज स्मॉलर देन आवर एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट है वो स्मॉलर है अपने एक्स से। सो बेसिकली एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है तो अपन कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। राइट, एक्स बड़ा है तो अपन राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर स्टार्ट ले आएंगे। तो स्टार्ट इज इक्वल टू क्या जाएगा, मिड प्लस 1। राइट, और एल्स, एल्स अगर एरे एलिमेंट क्या है, एल्स इफ एरे एलिमेंट वो ग्रेटर है अपने एलिमेंट से। बेसिकली अगर ग्रेटर है, तो अपन इसको ये कैंडिडेट नहीं होगा, तो रिजल्ट अपडेट नहीं करेंगे, और रिजल्ट अपडेट नहीं करेंगे मतलब अपना ये एलिमेंट एरे ऑफ मिड जो है वो एक्स से ग्रेटर है, मतलब एक्स छोटा है, तो अपने को लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो अपन इधर जो बाइनरी सर्च जैसे लगाते हैं, सिंपल वही बाइनरी सर्च लगानी है। तो अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो बेसिकली क्या कर रहा है, जब भी अपन राइट हैंड साइड में जा रहे हैं ना, यहाँ पर क्या कर रहा था अपना, एलिमेंट बड़ा था ना, एलिमेंट बड़ा था, ये एलिमेंट छोटा था, एरे ऑफ मिड, एरे ऑफ मिड छोटा था, तो एरे ऑफ मिड छोटा था, तो अपन ने समझ में आ गया कि ये कैंडिडेट हो सकता है, और ये कैंडिडेट हो सकता है, उसके बाद और कैंडिडेट आगे अपन इधर मिलेंगे। तो जब भी अपन राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं ना बाइनरी सर्च में, तो राइट हैंड साइड मूव करने से पहले अपन को आंसर रिजल्ट में वो कैंडिडेट को स्टोर कर लेना है, बस इतना सा है। प्रीवियस बाइनरी सर्च जैसी थी, इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू की आ गया, तो अपन रिटर्न कर देंगे क्या, वही एरे ऑफ मिड। राइट, फिर अपन जब भी अगर राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, उससे पहले अपने को यहाँ पर बस स्टोर करना है, इतना सा चेंज और करना है, फिर अपन आगे राइट हैंड साइड में मूव कर जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो अपन स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं मतलब क्या है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो ये कैंडिडेट हो सकता है, ये अपना जो एक्स एलिमेंट है ना, उससे ये एरे ऑफ मिड स्मॉलर है, तो अपन इसको स्टोर करेंगे, उसके बाद अपने को एक्स इधर मिलेगा, तो इसलिए अपन इधर मूव कर जाएंगे। तो राइट हैंड साइड मूव करने से पहले अपने को खाली स्टोर करना है, इतना सा चेंज और करना है बाइनरी सर्च में। तो बाइनरी सर्च का जो कोड था उसमें खाली अपने को यहाँ पर राइट हैंड साइड में मूव करते थे ना, तो बस उससे पहले अपने को यहाँ पर रिजल्ट में आंसर को स्टोर करना है, आखिर में रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। राइट, बहुत सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स।